गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी इस इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम लोग शुरुआत करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन सी बातों के बारे में, जो हम लोगों को आगे हमारा बेसिक तैयार करने में बहुत ही मदद करने वाली ये सारी चीज़ें। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार सभी को। तो सभी के सभी साथी एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो क्वालिटी और आवाज वगैरह सब एकदम परफेक्ट चल रहा होगा। चलिए शुरुआत करें, फिर जल्दी से बताएं सब लोग, थम्स अप का मैसेज कर दीजिएगा मेरे सभी दोस्त सभी साथी। सारे के सारे साथी थम्स अप का मैसेज कर दीजिएगा, एकदम ओके। चलिएगा, अब ओके है सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिएगा, आज हमारी ये दोस्तों सातवीं क्लास है बेसिक मैथ की। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं मेरे दोस्तों, कल हमने ये सीखा था कि भी अनुपात और ये औसत क्या होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक एक नियम की एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भाई एक एक नियम कैसे फॉलो करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब आप कहोगे भाई ये एक एक नियम क्या होता, तो वो समझना है दोस्तों, और उसको समझ लिया तो फिर सारी चीजें बहुत ही आसान लगेगी। अब सुनिएगा दोस्तों, क्या है एक एक नियम में। एक एक नियम का मतलब यही है, अनेक में से एक का मूल्य पता करना। अनेक से एक, अनेक वस्तुएं दी हुई होगी तो वहां से एक वस्तु का मूल्य पता करना, या फिर एक से अनेक। और ये चीज अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो आपको एक एक नियम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो। अब दोस्तों इसको कैसे समझना है वो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, कोशिश करना। चलिएगा, इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है सुनिए। जैसे कंसेप्ट तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ये है, 12 पेन का खरीद मूल्य, 12 पेन का खरीद मूल्य 1440 रुपये है, तो एक पेन का खरीद मूल्य होगा, एक का खरीद मूल्य होगा। और या फिर एक और क्वेश्चन लिखता हूं, एक टेबल का खरीद मूल्य, एक टेबल का खरीद मूल्य 480 रुपये है, तो 9 टेबल का खरीद मूल्य होगा, 9 टेबल का कुल खरीद मूल्य होगा, खरीद मूल्य होगा। ये आपको प्रूव करना है। अब दो क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात को सुनिएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 12 पेन का खरीद मूल्य 1440 है, तो ऐसे एक पेन का खरीद मूल्य कितना होगा, और एक टेबल अगर 480 की है तो 9 का कितना होगा। अब दोस्तों ये दो सिंपल से क्वेश्चन मैंने क्यों लिखे हैं वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 12 पेन अगर 1440 के है, तो एक का लाना, जब अनेक से एक लाना हो, अनेक से एक लाना हो तो भाग देना पड़ेगा। 12 पेन अगर 1440 के आते हैं तो हमारा एक पेन आएगा 1440/12, 12 का भाग दे दीजिए, 12 एकम 12, 2 बार 2 ना 24, 120 का। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। और साथ ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और, एक टेबल अगर 480 की है तो ऐसी 9 टेबल, तो 480 × 9, 8 × 9 72, 7 3600 और 7 4320, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात। 3920 कैसे कर रहे हो, देखो 8 9 72 हुआ, 7 गए, 9 4 × 9 36, 36 और 7 4320 ही तो होगा दोस्तों, 3920 क्यों करें। चलिए अब सबने सही आंसर दे दिया, 4320। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना दोस्तों, अनेक से एक लाना हो तो भाग देना पड़ता है, और एक से अनेक लाना हो तो गुणा करना पड़ता है। क्या ये मेरी छोटी सी बात समझ में आई, ठीक है। अगर आप यहां से एक का पता कर लेते तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है एक का ही पूछे, कल को पूछ ले 27 का बताओ तो क्या करेंगे। 12 1440 के, तो एक पड़ा 120 का, और जब एक 120 का है तो 27 लाना है, तो हम 27 से गुणा करेंगे। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई।
एक एक नियम में आप किसी तरह से परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलेगा। जैसे मैं एक और बात करता हूं, एक टेबल का खरीद मूल्य, एक टेबल का खरीद मूल्य 720 रुपये, तथा ऐसे करते, इसको ऐसे लिखो, 3 टेबल का खरीद मूल्य 720 रुपये, 8 कुर्सी का खरीद मूल्य, 8 कुर्सी का खरीद मूल्य, 8 कुर्सी का खरीद मूल्य 560 रुपये है, तो ऐसी ही 12 टेबल और 13 कुर्सी का कुल खरीद मूल्य होगा। 12 टेबल तथा 13 कुर्सी का कुल खरीद मूल्य होगा, कुल खरीद मूल्य होगा, यह आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 12 टेबल और 13 कुर्सी का कुल खरीद मूल्य कितना होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों, कोशिश करिए एक बार। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, एक भाग अनेक गुणा, ये सही बात है। चलिए, अलग अलग आंसर आने लग चुके हैं अब। ठीक है, 3790। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब सुनिए दोस्तों, क्या बात है कि 3 टेबल कितने की है? 720। 3 टेबल अगर 720 की है तो 1 टेबल का मूल्य कितना पड़ा? 240। 8 कुर्सी चेयर का मूल्य 560 है मेरे दोस्तों, 1 टेबल कितने की पड़ी? 70 की। क्लियर है? 3 टेबल 720 की, तो 1 240 की, और 8 कुर्सी 560 की, तो 1 कितने की पड़ी? 70 की। तो अब हमें बोला 12 टेबल, तो देखिए 1 टेबल 240 की है, तो गुणा किससे कर लो? 12 से। तरीका याद है कैसे करना? 0 12 का गुणा करो, 12 × 4 48, 4 आया, 12 × 2 24, 24 और 4 28, ओके। और 70 का गुणा कर लो 13 से, तो 0 13 × 7 कितना? 91। अब इनको जोड़ लीजिए, 0 8 और 1 9, 8 × 9 17, 3790। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 3790 आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। चलेगा, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का इस बात में? सेशन अच्छा लगता है तो सब लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी के सभी दोस्त। ठीक है, चलिए। तो ये हमने एक ही नियम की एक बेसिक सी बात पढ़ी, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। छोटी छोटी बात है, लेकिन हमारे एग्जाम में एक बार बेसिक मजबूत करने में बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? चलेगा। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात करने वाला हूं, वो है प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, इसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशत यानी प्रत्येक बात शत पर यानी 100 पर, यानी हमें हर एक बात यहाँ 100 पर कंप्लीट करनी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात को सुनिएगा, सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी नंबर का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो आप उसका गुणा किससे करोगे? 100 से। और दूसरी बात, कोई भी नंबर का अगर परसेंटेज पहले से दिया हो तो हम उसी क्वेश्चन में 100 से क्या दे देंगे? भाग। चलो, ये बात मैंने सिखा दी, बोल दी, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में
अप्लाई कैसे करना वो चीज़ हमें सीखनी है, और स्टूडेंट को कम से कम ये समझ में तो आना चाहिए इस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है या परसेंटेज ज्ञात करना है। चलेगा, तो परसेंटेज ज्ञात करना है तो गुणा 100, पता कैसे चलेगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। 12 72 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, एक तो ये बात है हमारे पास, और इसी के पास इधर है 400 का 19% कितना होगा, समझ रहे हो? ये दो बातें हमारे पास, एक तो है 12 72 का कितना परसेंट है, और उसी के पास उधर है 400 का 19% कितना होगा। अब दोनों बातों को ढंग से समझिएगा दोस्तों, ठीक है? अब सुनिएगा, 12 72 का कितना परसेंट है, तो 12 बटे में 72 और परसेंट कितना है तो गुणा 100। देखो यहां परसेंटेज ज्ञात करना है, यहां परसेंटेज दिया हुआ है। पहले तो मुझे बताइए इनमें मूल अंतर समझ में आया कि नहीं आया, कम से कम ये तो पता चले ना आपको कि अभी गुणा कहाँ करना और भाग कहाँ देना है। शुरुआत तो वही दिक्कत आती है स्टूडेंट को, ये जो है ना, अगर ये चीज आती है ना तो फिर तो परसेंटेज में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आगे। लेकिन अभी तो स्टूडेंट की एक बेसिक दिक्कत ये आती है, उसको समझ में नहीं आता है कि गुणा किस प्रश्न में करना चाहिए और 100 से भाग किस में देना चाहिए। तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब परसेंटेज ज्ञात करना है 12 72 का कितना परसेंट है तो गुणा 100 कर लो, और 400 का 19% जब परसेंट पहले से दिया है तो हमें 100 से क्या देना है, भाग। तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, 12 72 का जिस वैल्यू के साथ का या से रहता वैल्यू हमेशा कहाँ आती है, बटे में तुलनात्मक अध्ययन में। मेरी बात समझ में आ रही है, तुलनात्मक अध्ययन में वो वैल्यू हमेशा कहां पर आती है दोस्तों, बटे में आती है। चलेगा, अब साथ ही अगली बात, 12 से 72 6 बार, 100 बटा 6 2 से और कट रहा है 50 बार, 2 से और कट रहा है 3 बार, 50 बटा 3 होता है 16 से 2 बटा 3%। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छा लगा शानदार सपोर्ट देकर, सब लोगों को कहूंगा वीडियो को एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ये संख्या और विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, और ये जो इंपॉर्टेंट बात है आप लोग सीख रहे हो, बहुत सारे विद्यार्थियों का बेसिक थोड़ा कमजोर है वो तैयार हो जाए। 400 का 19%, तो 400 × 19/100, 0 से 0 19 × 4 कितना 36, समझ में आया? परसेंट दिया हुआ था तो 100 से भाग। अब आप कहोगे यहाँ कहाँ का मतलब बटे में क्यों नहीं रखा, क्या यहाँ 400 का किसी से तुलना हो रही है? यहाँ नंबर की तुलना नंबर से थी और ये नंबर की तुलना परसेंट से है, ठीक है? तो जब कुछ भी नहीं तुलना नहीं हो तो कहाँ का मतलब गणित में किससे होता है, गुणा से होता है। 0 से 0 कैंसिल, आज हो जाएगा गोपाल राम जी, ठीक है? अब उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझ पाए। 4 × 19 करेंगे तो रिजल्ट 19 × 4 76, क्लियर है? अब वापस सुन लीजिएगा, परसेंट ज्ञात हो तो गुणा 100, परसेंटेज दिया हो तो 100 से भाग देना है, क्लियर है? यानी परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो मल्टीपल 100, परसेंटेज गिवन हो तो डिवाइड 100, परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो मल्टीपल 100, परसेंटेज गिवन हो तो डिवाइड 100, क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिएगा, अब मैं आपको ये सिखाता हूं दोस्तों कि ये जो आप कन्वर्जन सीखना चाहते हो, बहुत जनों के दिक्कत ये है कि उनको ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता, समझ रहे हो? 11 से 1/9% का मान 1/9 सुना तो है, बहुत जनों को इसकी जानकारी नहीं है कि भाई ये होता कैसे है, क्लियर है? अब सुनिएगा दोस्तों क्या करना है, ये वाली वैल्यू का मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूं कि इस वैल्यू से ये वैल्यू बढ़ती कैसे, फिर आपको 4 या 5 वैल्यू लिखूंगा उनका आंसर देना है, समझ रहे हो मेरी बातें? अब ध्यान दीजिएगा, 11 × 9 99 प्लस 1 कितना 100/9, मेरी बात समझ में आई? और जब परसेंटेज गिवन है तो यहां 100 से भाग दे दो, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला था जब प्रतिशत दिया रहे तो 100 से भाग देते हैं। पहले बताओ 11 × 9 99 और 100/9 आया, इसको रहने दो, अभी ये 100/9 बना इसका मान, और अब परसेंट गिवन है तो बटा 100, 100 से 100 कैंसिल तो रिजल्ट बना 1/9। क्या आपको परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना समझ में आया दोस्तों, क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखूं मैं, थम्सअप का मैसेज कीजिएगा सारे दोस्त। 16 से 2/3%, 37 से 1/2%,
12.5% और 14 से 2/7%, 66 से 2/3%। अब कल को एग्जाम में कोई भी वैल्यू आए आप कन्वर्ट करना सीख जाओ, फिर देखना कितना आसान प्रश्न लगेगा भाई। आप सब सारी की सारी वैल्यू याद थोड़ी कर पाओगे, अगर कन्वर्जन सीख लिया ना तो याद नहीं भी होगी, विद इन सेकेंड आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बातों को? याद नहीं भी होगी तो विद इन सेकेंड आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए पहले कि ये कन्वर्जन होता कैसे है वो सीखना मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिएगा, देखिए सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है, 16 × 3 = 48 और 2 = 50/3। और आप बताइए जब परसेंटेज पहले से गिवन है तो बटे में कितना 100 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो ये 50/3 है ना, ये तो इस बॉक्स का रिजल्ट है, समझ रहे हो? मिश्र बिन को हमने सरल बिन में कन्वर्ट किया है, तो फिर परसेंटेज दिया है तो 100 से क्या दे दिया, भाग। अब मेरे दोस्तों आप बताइए 50 से 100 कितनी बार कटता है? 2 बार, 3 × 6, तो रिजल्ट बना मेरे दोस्तों 1/6। तो आज के बाद कोई नंबर का 16 से 2/3% लाना हो तो आप डायरेक्ट उसका 1/6 भाग लेकर आ जाओ। मेरी बात क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, 37 × 74 + 1 = 75/2, लेकिन परसेंट है तो बटे में 100। 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 के पहाड़े में 4, 4 × 8, तो मेरे दोस्तों भिन्न क्या बनी, 3/8। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आ रहा है आप लोगों को। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको ये फ्रैक्शन वाली बात अब कन्फ्यूजन नहीं होगी कभी भी। क्लियर है? चलिए एक बार और समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान देना। 12 का डबल 24, 24 और 1 = 25, 25/2, और परसेंट है तो बटे में 100। 25 से 100 कटा 4 बार, 4 × 8, तो मेरे दोस्तों रिजल्ट क्या बढ़ा, 1/8। इतनी छोटी बात है ना दोस्तों, आपको कोई नहीं सिखाने वाला। मौका है अभी तो चीजों को इंप्रूव करो और बहुत शानदार तरीके से इसको कवर करो। इसको सॉल्व करते हैं, 14 × 7 = 98 और 2 = 100/7, और पहले से परसेंट है तो / 100, तो 100 से तो 100 गया, तो रिजल्ट 1/7। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? नहीं है? चलिएगा, 66 × 3, 198 और 2 = कितना, 200, 200/3, और परसेंटेज गिवन है तो / 100, तो रिजल्ट कितना बनेगा मेरे दोस्तों, 2/3। क्या आपको मेरी सारी बातें क्लियर हुई जो अभी तक मैंने आपको छोटी छोटी बात सिखाई है? क्या मैं मानूं कि आप लोगों को समझ में आ गया? तो एक बार मुझे थम्स अप करो कि अब इस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करोगे। सब लोग थम्स अप का मैसेज करो ताकि मुझे लगे कि वाकई में जो मैंने छोटा सा प्रयास किया है वो सफल हुआ है। बिल्कुल एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए दोस्तों, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कोई परसेंटेज डेसिमल में आए तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना? बिल्कुल मेरे दोस्त, तुरंत समझाता हूं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वीडियो को सब लोग दोस्तों, आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है और उम्मीद करूंगा वैसे आप बिना कहे सबने लाइक कर दिया होगा, नहीं तो कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। अब मैं एक बात बताता जो एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है, ऐसा 0.025% ऐसा कुछ आ जाए भी तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें? कोई भी वैल्यू आ सकती है पॉइंट्स में जैसे। तो मेरे दोस्तों क्या करना है, परसेंट गिवन है तो पहले तो मुझे ये बताओ बटे में कितना आएगा 100, और पॉइंट हटाया 1, 2, 3 जीरो आ गए, समझ में आया? ये 25 के पहाड़े में 1 बार, 25 के पहाड़े में 4 बार और 3 जीरो, तो ये बन गया फ्रैक्शन 1/4000। तो बिल्कुल आप लोग पॉइंट को भी मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या मैं एक वैल्यू लिखूं तो मुझे आंसर बताओगे? सभी दोस्त बताएं मेरे आर्यभट्ट हो, जल्दी से बताइए आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर बताओ इसका, फिर 0.75% को भिन्न में बदलो। चलिए आंसर दीजिए, 0.75% को भिन्न में बदलो, कोशिश करिए सब लोग।
0.75% को भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए 2/3 बहुत बढ़िया, अलग अलग। एक 1/4000 तो मेरे दोस्त उसी का आंसर था, चलेगा। अब सुनिए मेरे दोस्तों, 0.75% है, परसेंट है तो बटा 100, पॉइंट हटाया 2 0, 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 के पहाड़े में 4 बार, तो जिन मेरे दोस्तों का आंसर, जिन ज्ञानी लोगों का आंसर 3/400 आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम सही है। समझ रहे हो, 3/400 आंसर लाने वाले सभी ज्ञानी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आगे बढ़े, फिर जल्दी से बताओ। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। बहुत सारे साथी अभी भी सेशन में जुड़े हैं, वेलकम है आपका सबसे पहले तो। और जो साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं हमारा बेसिक भी तैयार हो, अच्छे वीडियोज हमें और पढ़ने हैं, शानदार चीजें कवर करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसी के पास जो बेल आइकन है, वो आगे की क्लास का हर नोटिफिकेशन चाहते हो, भी क्लास अपलोड होते ही हमारे पास मैसेज आ जाए, तो बेल आइकन यानी जो घंटी का बटन है, सब लोग प्रेस करके रखना। जिन्होंने दोस्तों अभी से कह रहा हूँ, सब लोगों ने, जो आप सब्सक्राइब तो सबने कर रखा होगा, लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो सब लोग घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा के रखिएगा, तब ही मैसेज आ पाएगा रेगुलरली। ठीक है, नहीं तो रैंडमली आता है, 4 में से 3 ही मैसेज आ जाएंगे, एक आध पीछे रह जाएगा। ओके, आगे बढ़े फिर। चलिए अब सुनिए मेरे दोस्तों, अगली बात हमारे पास क्या है। जैसे अगर मान लीजिए, ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है, सौ का 11 से 1/9% का 12.5% का 33 से 1/3% होगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं आपको ये फ्रैक्शन नहीं पढ़ाता ना, तो आपको है ना सिलेबस का सबसे भारी भरकम प्रश्न यही वाला लगता, अगर मैं आपको ये फ्रैक्शन यानी बट्टा नहीं पढ़ाता। लेकिन देखो, बट्टा पढ़ाने से ये कितना आसान बनेगा वो आप खुद को पता चल जाएगा, भी हाँ हमने कुछ काम की चीज आज सीख ली है। समझ रहे हो, चलेगा। अब सुनिए मेरे दोस्तों, 11 से 1/9 का मान बताओ, जल्दी से मैसेज करो मुझे। देखिए दोस्तों, अब तो आंसर आना चाहिए, 99, 100 से 100 कटा 1/9, तो बात समझ में आई। 12.5 तो 24 और 1 25 से 100, 4 बार 4 दूनी 8, 1/8। 33 से 1/3 है, 99 और 1 बोलो 100, 100/100 से 100 तो कट गया 1/3। क्या मेरी बातें समझ में आई? तो मैंने इसकी जगह 1/9, इसकी जगह 1/8, इसकी जगह 1/3 रखा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन बताओ, नहीं है? चलिए, साथ ही दोस्तों, सारे मेरे दोस्तों से कह रहा हूं, 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल संडे को सुपर संडे टेस्ट रखा है, सुपर संडे बनाना है उसको। और टेस्ट क्या होगा? 1 से 11 अप्रैल तक का पढ़ाया हुआ लाइव टेस्ट होगा दोस्तों, लाइव। यहाँ ऐप के ऊपर तो हो गई होगा, वो तो चलेंगे जो रेगुलर, लेकिन जो 12 वाला टेस्ट है वो मैं यहीं पर लूंगा आपके लिए कंटिन्यू। क्या तैयार हो सुपर संडे के लिए? सब लोग एक बार थम्स अप करो, बहुत चीजें सोची। और साथ ही एक बहुत ही काम की बात आपके लिए आएगी दोस्तों, विशेष, वो आपके लिए सरप्राइज है दोस्तों, बहुत ही शानदार वाला सरप्राइज है। क्लियर है? सुपर संडे, संडे का वो वीडियो मैंने अभी से शेड्यूल कर दिया है, आप लोग उसको, महाधमाका नाम से है और सुपर संडे लिखा, और बहुत ही शानदार धमाका भी होगा। उम्मीद करेंगे अभी तक की जो चीजें पढ़ी है वो और अच्छी होने वाली है। क्लियर है? तो सब लोग अभी से उस चैनल, उस वीडियो को अभी से आप शेड्यूल में कर दीजिएगा, अपने रिमाइंडर पर डाल दीजिएगा। क्लियर है? चलेगा, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरे दोस्तों, 9 का भाग दीजिए 9 दूनी 18, 3, 9 चौक 36, 8 का भाग दीजिए 300, 3 का भाग दीजिए 100, तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 100 बन रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में 100 बन रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्तों। क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिएगा, टाइमिंग वही है, सुबह 10 बजे ही टेस्ट होगा, सुबह 10 बजे टेस्ट होगा मेरे दोस्तों।
वही टाइमिंग सुबह 10 बजे सुपर संडे बनाना है इसको, और बहुत ही शानदार कोशिश करेंगे दोस्तों आपके लिए। चलिएगा, क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? यहां तक हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? चलिएगा, देखिए दोस्तों एक और काम की बात सुनो। जैसे किसी संख्या का 16% 64 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों यहां से कंसेप्ट समझाना है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या होता है, पूरे टॉपिक में चलता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही चलेगा, पूरे टॉपिक को लेके चलने वाला आगे, समझ रहे हो? तो दोस्तों क्या करना, सबसे पहले सुनिएगा, किसी संख्या का 16% कितना है मेरे दोस्तों? 64 है। तो हमारा 1% कितने का बताओ? तो देखिए दोस्तों 64/16, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एक नियम कराया था, बताओ याद है क्या सबको? थोड़ी देर पहले मैंने एक एक नियम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्लियर की थी, तो वो समझना कि 16% अगर 64 का है मेरे दोस्तों, तो हमारा 1% 64/16। तो आप बताइए मेरे दोस्तों हमारा 1% कितने का पड़ा? 4 का। या यूं समझ लो ऐसे 16 पेन 64 में आते हैं, तो हमारा ऐसा 1 पेन कितने का आएगा? 4 का। और अगर 1 पेन 4 का है मेरे दोस्तों, तो हमारे 100 पेन, 100 ही क्यों ला रहे हैं, क्योंकि कुल परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है, तो 100 पेन का मूल्य 4 × 100, तो रिजल्ट कितना? 400। समझ रहे हो? अब सुनिए जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे, एक्स मेथड क्या कहता है? एक्स का 16% 64, कोई नंबर है भी उसका 16% कौन है? 64। तो आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था परसेंट और इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए का मतलब गुणा, 16/100 = 64। 100 क्यों आया? परसेंट गिवन है, तो एक्स का मान ये 16/100 उधर जाके 100/16, तो 4 बार कटा, तो रिजल्ट क्या बना? 400। लेकिन दोस्तों आंसर यहां से भी आया, आंसर यहां से भी आया, यहां आंसर आया सिर्फ, यहां लॉजिक समझ में आया। कैसे समझ में आया, ध्यान देना दोस्तों, 16 पेन 64 में आते हैं, तो 1 पेन बोलो 4 का, और 1 पेन 4 का है, तो 100 पेन बोलो 400 के। कल को हमसे बोला भी 100 मत लाओ हमें, तो वो बताओ 16 28% कितना होगा? तो मेरे दोस्तों मैं 28 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा क्यों करूंगा? क्या मेरी बात क्लियर है? चलिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, कोशिश करना आंसर देने की। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या का 27% 81 है, तो उसी संख्या का 72% कितना होगा? ये हमारा एक प्रश्न है, कोशिश करो कि आप लोग आंसर कर पाओ। बताइए दोस्तों, कोशिश करें आप लोग, कितना रिजल्ट होगा? राम, चले विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कल वर्ल्ड टेस्ट में रैंक नहीं आई, आपकी पहली रैंक थी, आपने 1000 बार ये प्रश्न कर दिया है। दोस्तों 10 क्वेश्चन है, छोटी सी जोड़ बाकी सीख रहे हो, उसमें आप ऐसे क्या आपको पता नहीं चल रहा, आपने टेस्ट दे दिया कि आपकी रैंक क्या बनी है? आपने कम से कम 100 मैसेज कर दिए मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका? राम चबले विश्वकर्मा जी। तो दोस्त आप समझिए, 10 क्वेश्चन का टेस्ट, और वो भी आपकी जो बेसिक चल रहा है उसका टेस्ट है, तो उसमें आपकी रैंक की बजाय वही चीजें हैं ना दोस्तों जो आप क्लास में पढ़ रहे हो। आप उसमें ये पूछो ना भी, कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आई, रैंक कौन सी, आपकी पहली रैंक थी, खुश हो जाइए, ठीक है? कम से कम आपने 100 मैसेज किए मेरे दोस्त, प्रयास कीजिए चीजों को सीखने के बारे में, और वो चीज अगर वहां भी देखोगे ना तो आपको रैंक वगैरह मिल जाएगी, लेकिन वो चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी। एक ही मैसेज, काम का मैसेज करते हो ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात सबकी पहुंच पाती है, किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन होगा, कोई डाउट हो जाएगा, फिर वो पीछे रह जाता है, मेन चीज ये। 216 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिएगा मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
27% 81 की है तो हमारा 1% कितने का, 81/27। तो मेरे दोस्तों हमारा एक कितने का पड़ा, 3 का। और जिस दिन एक यूनिट पता चल गई ना, ध्यान दीजिएगा, 1% 3 का है तो 72%, तो 72 × 3 करोगे मेरे दोस्तों, रिजल्ट कितना, 216। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन दोस्तों? चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्लियर है ये कंसेप्ट? चलिए आपका एक बच्चा कह रहा मेरा क्वेश्चन है, बताइए दोस्त क्या आपका प्रश्न है, क्या अभी तक की बातों में कोई कंफ्यूजन? कल हमने अनुपात और औसत को बेसिकली पढ़ा था, आज मैंने आपको एक एक नियम का बेसिक बताया, परसेंटेज का बेसिक बताया, ठीक है? अब मैं आपको एक और काम की बात बताऊंगा, और वो काम की बात है दोस्तों लाभ और हानि के बारे में। भाई लाभ और हानि का बेसिक क्या होता है, बेसिक मतलब यूं समझ लो टॉपिक की शुरुआत कहां से होती है, समझ रहे हो मेरे दोस्तों? अब सुनिएगा दोस्तों क्या चीज है, चलिएगा एप्लीकेशन पर टेस्ट कैसे देना है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको है ना आज एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप सिर्फ एप्लीकेशन को आज डाउनलोड कर लो, ठीक है दोस्तों? सारे के सारे साथी, ठीक है दोस्तों, सभी से कहूंगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फिर मैं है ना जो सब बच्चों को मैं ऐड कर दूंगा, और टेस्ट देना कैसे वो मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन जो संडे वाला टेस्ट होगा, सुपर संडे, वो तो दोस्तों यूट्यूब पर लाइव होगा, ठीक है? और बहुत ही शानदार चीजें और आपके लिए आएगी। अच्छा, पी बटा क्यू वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चन रहा था, मान लीजिए पी बटा क्यू वाला, ये कुछ क्वेश्चन था, मान लीजिए 0.234, ये टेस्ट में कल ये क्वेश्चन था, आप सब लोगों ने दिया होगा कि इसको पी बटा क्यू में प्रदर्शित करो। तो दोस्तों क्या होता है, जब एक ही पॉइंट का रिपीटेशन होता है, उसको रोकने के लिए उस पर बार लगाते हैं, ठीक है? लगा दिया 0.234 बार। अब ये जैसे ही बार हटाओगे तो क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने क्या आएंगे, 9, और जो संख्या बार में नहीं आती वो घटा लो, तो 0 को घटाओगे कोई फर्क नहीं, 9 × 18 कितने बचे दोस्तों, 5, 9 × 54 और 9 का भाग 1, 1, 1, तो ये उत्तर आएगा 26/111, ठीक है? कल वाले में अगर आप नहीं समझ पाए तो ये प्रोसीजर था उसका, जब एक ही नंबर का रिपीटेशन होता तो उसको रोकने के लिए। और एक वो थोड़ा वो सही कर दीजिएगा, 4, 7, वो तो आपको पता ही था ना, 4, 7, 7, 11 वाले में ये कॉमन वैल्यू है, तो डायरेक्ट उत्तर 4, 7, 11, ठीक है? जब मिड वैल्यू कॉमन होती है ना, तो आंसर डायरेक्ट बनता है मेरे दोस्तों, ठीक है? थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा, दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब सुनिए दोस्तों, लाभ और हानि इस चीज को थोड़ा समझते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, कुछ पोर्शन रहेगा तो हम कल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिएगा, चलिए वो सही है, वो सबका आंसर हो सकता है, उस आंसर की में कुछ गलत रह गया होगा, तो आप उसको सही मानिएगा, चिंता मत करो। आपका जो नंबर आया ना, उसमें एक अंक जोड़ दीजिएगा, 7 नंबर आए तो 8 कर दीजिएगा, 6 आए हैं तो 7 कर दीजिएगा। आपके लिए प्रयास एक तरह से मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं दोस्तों, मेहनत हमारे एंड से कर रहे हैं, कोशिश आपकी भी बड़ी होनी चाहिए कि अभी हम रेगुलर उसको टेस्ट को जरूर दें। आज का भी टेस्ट होगा, ध्यान रखना, जैसे ही सेशन एंड होगा उसके बाद टेस्ट होगा ऐप पर, तो टेस्ट जरूर आप सब लोग दीजिएगा। अब सुनिए मेरे दोस्तों, जीरो की जगह और कुछ हो तो दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले ये चीज सिखाई है दिलीप कुमार जी, तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिएगा, अभी इसी सेशन बेसिक वाले में सिखाया है कि भी बार की प्रक्रिया को हटाया कैसे जाता है। चलिएगा, लाभ और हानि की बात करें दोस्तों, लाभ और हानि होती कब है मेरे दोस्तों, किसी भी वस्तु को खरीद कर जब बेचते हैं तब या तो क्या होगा लाभ, या फिर क्या होगी मेरे दोस्तों, हानि। अब सुनिएगा दोस्तों, खरीदना यानी क्रय, बेचना यानी विक्रय। अब सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट क्या करता है मेरे दोस्तों, एक स्टूडेंट गलती ये करता है कि वो इनको पढ़ के जाता है और एग्जाम में ये लिखे हुए आते हैं, तब उसकी हालत थोड़ी ऐसी हो जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि वो खरीदना और बेचना पढ़ के जाता है, और एग्जाम में हमेशा क्रय और विक्रय लिखा हुआ आता है, और वहीं से बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? क्योंकि वो तो ये तो खरीदना बेचना, और वहां बार बार कहते हैं विक्रय मूल्य इतना है क्रय बताओ, और क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय बताओ, कंफ्यूजन वहीं से प्रारंभ होता है, और तभी तो ये टॉपिक इतना भारी भरकम लगता है। लेकिन अगर आप इन बेसिक चीजों को पढ़ लोगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे आपको प्रतिशत लगता है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा वाला टॉपिक,
वैसे ही आपको ये वाला टॉपिक लगेगा, समझ रहे हो? चलिएगा, अब मेरे दोस्तों क्या करना है, चलिएगा। अब देखिए, किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय, किसी भी वस्तु को बेचना क्या कहलाता है? विक्रय कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिएगा। ये क्रय है और ये विक्रय है। तो मेरे दोस्तों, 8,000 में खरीदा और 9,600 में बेचा, फिर एक 9,000 में खरीदा और 7,200 में बेचा। हमारे पास ही दो क्वेश्चन है, खरीदना यानी क्रय, बेचना यानी विक्रय। अब आप ध्यान दीजिएगा, 8,000 में खरीदकर कोई 9,600 में बेचे तो दूसरी क्लास का बच्चा बता सकता है कि यहाँ 1,600 का फायदा हुआ, क्लियर है? 9,000 में खरीदा, 7,200 में बेचा, तो आप बता सकते हो यहाँ नुकसान कितने का हुआ? 1,800 का। तो भी सीधी सी बात है, इस वाले प्रश्न में तो लाभ हुआ, इस वाले प्रश्न में क्या हुई? हानि। लेकिन एग्जाम में इतना छोटा प्रश्न तो आएगा नहीं कि अभी कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, लाभ और हानि नहीं पूछी जाएगी, लाभ और हानि का परसेंटेज पूछा जाएगा कि अभी लाभ हुआ तो सही, लेकिन वो कितने परसेंट हुआ। तो ये 1,600 का लाभ कितने पर? 8,000 पर। ये 1,800 का नुकसान कितने पर? 9,000 पर। अब देखिए दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहां से क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रश्न में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों क्रय मूल्य पर होती है। किसी भी प्रश्न में लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है। चलिएगा, तो 1,600 का लाभ 8,000 पर गुणा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आप बताइए लाभ कितने परसेंट? 20। यहां भी परसेंट से गुणा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और आप बताइए 9 का भाग 20%, तो यहां तो 20% लाभ होगा और यहां 20% क्या होगी? हानि होगी। तो मैंने तीन चीजें अभी तक सिखाई है, किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों क्रय मूल्य पर चेक होती है। सुनना, यह बहुत सबसे काम की बात है, किसी भी वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर चेक होती है, खरीदने पर भी जो आपका नफा और नुकसान देखा जाएगा वो खरीद मूल्य पर होगा, ठीक है? चलेगा, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे दोस्तों, चलेगा। अब काम की बात सुनना सब लोग, काम की बात क्या है भैया? आप लोगों ने मान लीजिए एक ही साइकिल खरीदी, ठीक ही बनी है ना, एक ही साइकिल खरीदी, साइकिल थी 8,000 की, कितने की थी मेरे दोस्तों? 8,000 की। कोई कंफ्यूजन है इस बात में? 8,000 की आपने एक साइकिल खरीदी, फिर आपको पता चला भी ये साइकिल तो खराब है, तो आपने क्या क्या इसकी रिपेयरिंग करवाई? मरम्मत। तो मरम्मत कराई तो 2,000 रुपये खर्च हो गए। अब बताओ साइकिल कितने की हुई? 10,000 की। फिर आपने क्या किया, इसमें एक टायर न्यू लगवा दिया, ये लगा भी आपको थोड़ा टूटा फूटा है, तो इस टायर को एक और नया टायर लगा दिया, इसको हटा के, तो फिर 1,000 रुपये टायर पर खर्च हो गए। अब आपको लगा जब हमने ये खरीद रहे हैं बार बार इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको क्या कर दिया? बेच दिया, और बेचा कितने में मेरे दोस्तों? 10,000। अब आप लोगों को ये समझना है कि हमें फायदा या नुकसान कितने का हुआ, वो चीज हमें क्लियर करनी है। एक इंपॉर्टेंट बात सुनेगा दोस्तों, 8 और 2 कितना हुआ? 10। 10 और 1 कितना हुआ? 11। तो ये रुपए भी तो आपने ही दिए, किसी और ने नहीं दिए, तो ये जो खर्च है ये भी तो आपका ही खर्च गिना जाएगा। 8 और 2 कितने हुए? 10। 10 और 1 कितना हुआ? 11। 11,000 में तो खरीदा है और आपने 10,000 में क्या किया? बेचा। तो जो भी खर्चा होगा वो क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा, जो भी खर्चा होगा वो क्रय मूल्य में क्या होगा? जोड़ा जाएगा। तो 8,000 तो क्रय मूल्य कहलाता है और ये 11,000 को हम कहते हैं शुद्ध क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, जो मैं बात बता रहा हूं ढंग से सुनना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्ध क्रय मूल्य, नेट कॉस्ट प्राइस। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आर्मी जीडी का बैच ऐप पर चल रहा है दोस्तों, जो ज्वाइन कर सकते हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? कृष्णा दुबे जी, मैंने आपकी बात का रिप्लाई कर दिया है। शुद्ध क्रय मूल्य 11,000 में खरीदा, 10 में बेचा मेरे दोस्तों, नुकसान 1,000 का, कितने पर? 11,000 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100,
तो 0 से 0 तो लाभ होगा 9 सही, सॉरी कितने का लाभ हो जाए, हानि हो जाएगी, 9 से 1/11% की क्या होगी, हानि होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? 11 × 99, 1 सही, क्लियर है, चलेगा। ध्यान रखना ऐसी ऐसी चीजें एग्जाम में बनती है आप लोगों को, सब लोगों से कह रहा हूं। ऐप सिर्फ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लो सीधा, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाओ सर्च कर लो ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, तो हमारी ऐप मिल जाएगी आपको, चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे। और लोगो तो आपको पता ही है, लोगो देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अब दोस्तों यहां सीखना और क्या था भाई, खर्चा हमने क्रय मूल्य में जोड़ लिया, अब सीखना क्या है वो सुनिएगा। सीखना ये है दोस्तों, पहले क्लास को पूरा प्रॉपर अटेंड करें, उसके बाद आपका क्लास, वैसे भी टेस्ट 12 बजे शुरू होता है आपको पता होगा, ठीक है। अभी सिर्फ 11 से 12 के बीच जो नए विद्यार्थी, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बस ये ध्यान रखना, चलिएगा। अब सुनिए मेरे दोस्तों क्या करना है, जैसे देखिए भाई आप लोग एक बुक लेने गए, ये चलिए एक बुक लेने गए, ये ट्रिकी मैथ की बुक है हमारी, उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द आपके लिए अवेलेबल कराए। ये बुक का एक मूल्य था मान लीजिए कितने रुपए, 200 रुपए, क्लियर है। फिर आपको पता चला कि भी दुकानदार कह रहा कुछ टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह लगा के इस पे 50 रुपए और दे दो, ठीक है, वो भी आपने दे दिए। अब दोस्तों आप ये बताओ, बुक 200 की थी, 50 रुपए आपने टैक्स के दिए, और आपने एक कवर बाइंडिंग करवा दी ताकि भी कवर फटे नहीं, तो आपने 50 रुपये उसके खर्च कर दिए, ठीक है, 250, और कितने हो गए, 300। और फिर क्या किया आपने, 50 रुपये के पानी पतासे खा लिए, 50 रुपये के पानी पतासे खा लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप ये बुक को 300 रुपये में बेचो तो आपको कितना लाभ या हानि होगी, जल्दी से बताओ। अगर ये बुक आप 300 रुपये में बेचो तो आपको कितना लाभ या हानि होगी, जल्दी से बताइए। अब मैं आपके सबका रिप्लाई का वेट करूंगा कि कितने का लाभ होगा, कितने की हानि होगी, क्या होगा। जल्दी से बताएं, आईफोन के लिए बीके प्रधान जी, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। 50 की हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, 50 का लॉस, 50 का, चलिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 200 और 50, 250 खर्च हुए, बाइंडिंग के भी खर्च हुए, कितने हो गए, 300। लेकिन ये जो पानी पतासे खाए हैं, इसका आपके बुक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत खर्च है। कौन सा खर्च है मेरे दोस्तों, व्यक्तिगत खर्च, और व्यक्तिगत खर्च को इसमें शामिल नहीं किया जाता। खर्चे को जोड़ा तो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत खर्च को शामिल नहीं किया जाता है, क्लियर है। तो 200, 250, 250 और 300, 300 में ही खरीदा और 300 में ही बेचा, तो क्या होगा दोस्तों, न लाभ न हानि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप बताइए, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ पाई, क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, देखो दो तीन चीजें मैंने बताई है, किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, कोई भी खर्चा होता है वो क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोले, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा।
ये हमारा एक क्वेश्चन है कि भैया 1 किलो की जगह उसने 800 ग्राम तोला तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। चल 1 किलो में कितना है दोस्तों, 1000, 1000 की जगह कितना 800। अब आप ये बताओ 1000 की जगह उसने 800 तोला है तो बेईमानी कितने की हुई, 200 की, क्लियर है। लेकिन कितने पर, 1000 पर नहीं होगी। मैक्सिमम जने गलती क्या करने वाले, यहां 1000 पर तुलना करते हैं। पर याद रखना जितनी वस्तु मापी या जितनी वस्तु तोली जाती है लाभ उसी पर होता है। वापस सुनना जो मैं बात कह रहा हूं, कॉपी में लिख देना। जितनी वस्तु की बात हो रही है, रुपए थोड़ी चल रहे दोस्तों यहां पर, वस्तु की मात्रा चल रही है। जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है लाभ हमेशा उसी पर होता है। तो ये 200 का फायदा 1000 पर नहीं होकर 800 पर गुणा 100। 0 से 0, 2 से कटेगा 4 बार, और 4 से 100 तो आंसर कितना 25%। क्या मेरी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है क्या, क्लियर है। कल को इसने 900 तोला, कल को भी ये 900 तोला, तो मेरे दोस्तों 100 की बेईमानी 1000 पर नहीं होकर कितने पर, 900 पर गुणा 100। तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 11 से 1/9%। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी प्रकार का, नहीं है। चलिए ओम प्रकाश कुमार जी, पी रुपए प्रति दर्जन में खरीदा, पी में 8। तो ओम प्रकाश जी, वो क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था आपको, पी में दर्जन यानी 12 और पी में 8 बेच दिया, तो इसको मैंने सिखाया था ऐसे गुणा कर लो, 8 × p 8p और p इंटू 12 12p। याद है क्वेश्चन कराया था मैंने, 10 में 11 और 11 में 10 वाला, ठीक है। उस पैटर्न से सॉल्व करना है, 8 में खरीदा 12 में बेचा तो 4 का फायदा 8 के ऊपर गुणा 100, तो 50% कर देना, ठीक है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले क्वेश्चन कराए थे आपको, T20 बैच का देखना एक बार जाके, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। चलिए तो आप सब लोग बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी के सभी मेरे दोस्त बताइए। कल मैं लाभ आने की कुछ और बातें और अगला एक टॉपिक लेके हम आएंगे।